दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली के अर्धशतक के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से मचाई मैदान पर आग। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की जिसके सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में चारों खाने चित्त किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बारबाडोस के मैदान पर रोमांचक अंदाज में आज खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान हॉप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत काइल मेयर और बैडन किंग ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत शार्दुल ठाकुर ने की। इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन इसी बीच 5 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी, जहां पर हार्दिक पांड्या ने ब्रायडन किंग को 12 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एली कथानाजे मैदान पर आए, जो ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। इस दौरान पावर प्ले में भारतीय टीम के सामने 62 रन वेस्टइंडीज की टीम ने बना दिए और 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए उमरान मलिक ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एली कथानाजे को 28 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान होप मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए काइल मेयर के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान काइल मेयर 40 रन बनाने के बाद 17 ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर आए। इस दौरान सिमरन हेटमायर ने कप्तान होप के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान सिमरन हेटमायर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को काफी हद तक संभाल कर रखा है, जहां पर कप्तान होप ने अपना अर्धशतक 22 ओवर में पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर अपना शतक पूरा किया। इस बीच सिमरन हेटमायर अपना अर्धशतक 29 ओवर में लगा आए और अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद अपना विकेट दे बैठे, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए 31 ओवर में आए कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर को 53 रन के स्कोर पर कॉट एंड बोल कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोमन मैदान पर आए। इस दौरान रोमन पावल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान होप के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान पावल भी 43 ओवर में मुकेश कुमार के सामने अपना विकेट 40 रन के स्कोर पर दे दिया, तो वहीं 45 ओवर में होप ने अपना शतक पूरा किया। इस बीच बल्लेबाजी करने के लिए आए रोमारियो शेफर्ड शार्दुल ठाकुर के सामने अंतिम ओवर में 25 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। दूसरी तरफ से कप्तान होप ने नाबाद 125 रन की पारी खेली। इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम ने 350 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया, तो वहीं भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दे डाली। लेकिन इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को डोमिनिक ब्रिक्स ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए मात्र 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, तो वहीं अब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक 65 रन भारतीय टीम को पहुंचा दिया और इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों ने अपना पूरा कर लिया और शत की साझेदारी भी पूरी की। इसी बीच रोहित शर्मा ने 14 ओवर में अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं विराट कोहली ने 17 ओवर में अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा 65 रन के स्कोर पर 18 ओवर में गुडाकेश मोंटी की गेंद पर LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, यहां पर उन्होंने टीम को संभाला। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने अपना शतक पूरा करने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन इसी बीच 32 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कैरिया ने विराट कोहली को 95 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 34 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं ईशान किशन अर्धशतक लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह अर्धशतक लगाने में नाकाम रहे, जहां पर ईशान किशन 40 ओवर में सील की गेंद पर 38 रन के स्कोर पर कॉट एंड बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने कुछ खास कमाल अर्धशतक लगाने के बाद नहीं किया और 41 ओवर में 72 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े पॉवेल के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। ऐसे में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम को जीत दिलाई, जहां पर अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 45 रन की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, जहां 2 ओवर में जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता पड़ने पर हार्दिक पांड्या ने 19 ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अंतिम ओवर में 10 रन की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने 4थी और 5वीं गेंद पर 2 छक्के लगाकर भारत को इस अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई, जिसको देखकर टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद दूसरे मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।